हेलो हाय वेलकम टू बीएससी फोरम एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया बहुत सारे दिनों से, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी बट और आप लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा नहीं है मेरे वीडियोस पे, इसलिए भी नहीं हो पाया था। बट आज मैं ले आई हूँ एक नया वीडियो और इसमें मैं मतलब बहुत सारा टॉपिक मतलब ख़त्म ही कर दूंगी, बस क्वेश्चन के लिए वीडियो रहे, ठीक है? तो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहला टॉपिक है क्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके पहले का टॉपिक मैं सारा चीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इसमें क्या है कि अगर ए जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे है एंड बी जो मैट्रिक्स है वो बी आई जे है, ये तब मैट्रिक्स में कहलाएगा जब दोनों का जो साइज़ है, मतलब ये भी 2x2 ऑर्डर का है और ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो ही ये कहलाएगा इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है? अब देखिए उसके बाद है एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू द प्लेसेस ऑफ टू मैट्रिक्स आर द सेम, मतलब ये ऐसे होना चाहिए 1 2 3 3 2 1 इज इक्वल्स टू 1 4 6 5 8 9। तो जितना ये जो एलिमेंट है a11 पे 1 है a11 पे 1 है a12 पे 2 है a12 पे 4 है, तो ये जो होता है इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले ये इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है 2x2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2x2, मतलब ये बिल्कुल सही है, जैसे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होते ना हो लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब 2x3 ऑर्डर इधर तो 2x3 ऑर्डर उधर भी। एक्स इज इक्वल्स टू 1 है क्योंकि ये a11 पे इधर 1 है, तो a11 जो है इस वाले a11 के इक्वल होगा, तो इस पे 1 है तो ये x के इक्वल हो जाएगा, y जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, z जो है वो भी 2 के इक्वल हो जाएगा और a जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो सेम जैसे वो था वैसे ये भी है, इसका भी ऑर्डर दो का सेम होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 इसका ऑर्डर है और ये 2 4 3 4 ऑर्डर है, तो ये दोनों ऐड करना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब ये जो है ये गलत है, ये भी सेम ऑर्डर में ही ऐड हो पाएगा, ठीक है? तो इसमें भी ए इज इक्वल्स टू ए आई जे ले लेते हैं एम एन टू एन क्रॉस का और b इज इक्वल्स टू बी आई जे ले लेते हैं एम एन टू एन क्रॉस का, तो a प्लस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम एन टू एन। इसी तरह इन पर्टिकुलर अगर देखेंगे तो इस तरह होगा a इज इक्वल्स टू हो जाएगा a11 a12 डॉट 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 a1n, इस तरह a21 डॉट 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 am1 डॉट 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 bm1 सॉरी am2 डॉट 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 amn, ठीक है? ये हो जाएगा m क्रॉस n ऑर्डर का। सेम इस तरह हम b का ले लेंगे, तो जब a प्लस b करेंगे तो ये हो जाएगा a11 प्लस b11 a12 प्लस b12, इस तरह का एडिशन हो गया, ठीक है? उम्मीद है पसंद आएगा। एडिशन जो होता है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 ये मान लीजिए ए है और 1 4 6 2 8 एक्स
ये मान लीजिए बी है, जब इसका ए पहले, सबसे पहले एल एच एस लीजिए, टेकिंग एल एच एस तो ऐड करना होगा ना दोनों को, 4 3 7 ए प्लस बी करेंगे ये दोनों, ए प्लस बी तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 4 + 3 7, 6 + 4 10, 5 + 2 7, 8 + 6 14, और 7 + x कितना हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एडिशन मैट्रिक्स आया, और ये भी जो ऑर्डर रहेगा इन्हीं दोनों के सेम ऑर्डर रहेगा, मतलब 2 × 3, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, इस तरह ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा 2 × 3। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो इतना आएगा, और जब बी प्लस ए करेंगे तभी भी इतना ही आएगा, 1 + 2 3, 4 + 3 7, 6 + 4 10, 2 + 5 7, 8 + 6 14, और x प्लस 7 और 7 + x एम होता है, मतलब कि a प्लस बी जो है इक्वल्स टू b प्लस a हो जाएगा, ये आप प्रूफ कर लिए, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब बात करें एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स का एडिशन है, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मल नहीं है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, a जो है इसमें भी एग्जांपल लीजिए, a को मान लीजिए 2 2 4 4, b को मान लीजिए 3 5 6 7, और c को मान लीजिए 8 9 0 1, ठीक है। तो जब एल एच एस लेंगे तो इसका एंट्री इसका प्लस इसमें करेंगे पहले, देखिए क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए को रखना है और बी प्लस सी को पहले ऐड करना है, ठीक, तो बी और सी को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 11, 9 + 5 14, 6 और ये 7 + 1 8, इसमें क्या ऐड करना है, 2 2 4 4, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 16 और 10 और 12, ठीक है, 2 + 2 ऑर्डर का ये भी आया है। अब हम दूसरा वाला करेंगे, a प्लस बी को एक साथ रखेंगे और c को अलग करेंगे, तो आएगा 5 7 10 11 प्लस 8 9 0 1, इसको भी ऐड कर रहे हैं तो इज इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है, मतलब ये भी आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे, तो मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ट्रांसपोज देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको आता हो आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगी, बट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ट्रांसपोज देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज, ठीक है। रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, और ये ए टी या फिर ए डैश से डिनोट होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सबका आपको मतलब डेफिनेशन लिख करके दे दूंगी, वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं दे दूंगी आप लोगों को डेफिनेशन लिख के, 1 2 3 4 5 2, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 2 5 3 2, पहले ये कौन से ऑर्डर का था, 2 × 3 ऑर्डर का, और अब ये हो गया 3 × 2 ऑर्डर का, ठीक है, आप समझ गए। अब उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेकर के देखिए, मान लीजिए एग्जांपल में लिए 2 4 3 1, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 4 1 आएगा, फिर उसी का ट्रांसपोज फिर से कर देंगे
तो 2 4 3 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू ए, मतलब ये इस वाले को फॉलो करता है। अब और देख लेते हैं, ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। हाँ ठीक है, इसको आप करने के बाद इसको आप एग्जांपल खुद से लीजिएगा और करने के बाद इस नंबर पे भेजिएगा। नहीं एक सेकेंड, आप भेजिएगा नहीं, करिएगा इसको खुद से। अगर ये सेटिस्फाइड हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? वैसे हो जाएगा ये सेटिस्फाइड। उसके बाद ओहो उसके बाद के ए ट्रांसपोज है, तो जब ये करेंगे के का होल ट्रांसपोज तो के ए का ट्रांसपोज होगा, क्योंकि ये जो के है ये आपका वो नंबर है, जो के है आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ए बी का होल ट्रांसपोज है, जिसका मतलब बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है? क्लियर है? अब आपको मल्टीप्लिकेशन मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने बताया आपको कि आप पहले ही मल्टीप्लिकेशन पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 1 2। अच्छा देखिए, किसी भी उसका मैट्रिक्स, अरे किसी भी का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब एम क्रॉस एन इज इक्वल्स टू एन क्रॉस एम हो, मतलब अगर एम क्रॉस एन जब है इनटू होगा एन क्रॉस एम से, मतलब हमें पहला मैट्रिक्स जो लेना है वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का लेना है, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है, अरे सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ रोज के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट करिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, और मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एन क्रॉस एन, ठीक है? मतलब इसका और नेक्स्ट मैट्रिक्स का अगर एम क्रॉस एन ऑर्डर का ले रहा है मैट्रिक्स, ये तो मान लीजिए नहीं एम क्रॉस एन का, ये 2 क्रॉस 3 का है, तो नेक्स्ट वाला जो हम मैट्रिक्स लेंगे वो मस्ट होना चाहिए 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है? तो फिर मतलब जब 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, ठीक है? क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ आपको। ए की वैल्यू लिखी दी थी, बी की वैल्यू लिखती हूँ 2 0 1 3 2 4। सबसे पहले ए की वैल्यू भी लिख देती हूँ, भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 2 3 4 0 1 2, ये क्या है 3 क्रॉस 2, ये क्या है 2 क्रॉस 3। तो अब इंटू करेंगे तो इसका रो जो है, इसका जो रो है इसके कॉलम में पहले इंटू करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, ठीक है? फिर इसका रो जो है इस वाले में इंटू करेंगे, है ना? फिर इसका रो इसमें इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, इसका रो इसमें इंटू करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 4 4 ज़ा 16। इसी तरह 0 प्लस 0 प्लस, इसी तरह दोनों में कर देंगे, पहले इसका इन दोनों में करेंगे, फिर इसका इन दोनों में करेंगे, जैसे ऊपर की वैसे ही। एक्चुअली मैं आपको पिछले में जो बताई थी वो गलत बता दी थी, ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो एन क्रॉस एन ऑर्डर का नहीं बनेगा, वो एम क्रॉस एम ऑर्डर का बनेगा, ठीक है? मतलब मैं आपको फिर से समझाती हूँ, देखिए जैसे
ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ली थी ए, और बी जो ली थी वो 3x2 ऑर्डर का ली थी। तो सबसे पहले जो है उसका नंबर ऑफ़ रोज, मतलब ए का नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो बी के नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2x2 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, ठीक है। ये जो होता है ये ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं होता है। ये देखिए, जब इसमें हम 3x2 ऑर्डर ले रहे हैं और 2x3 ऑर्डर ले रहे हैं, और सेम इसमें 2x3 ऑर्डर और 3x2 ऑर्डर ले रहे हैं, तो ये 3 इक्वल हो जाएगा और ये 2x2 मैट्रिक्स बनेगा, और ये 2 इक्वल हो जाएगा लेकिन ये 3x3 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इसलिए ये नहीं इक्वल है, ये सिचुएशन है। जितना आप खुद से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, थोड़ी सी हेल्प मैं आपको कर दे रही हूँ, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर बीच में छोड़ के दूसरा चैनल रेफर करिए, प्लीज़ टाइम मत वेस्ट करिए अपना। अब आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट जो होता है वो किससे डिनोट करते हैं, वो ए बार से डिनोट किया जाता है, और थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, एक्चुअली मैं आज पूरा कंप्लीट करने वाली थी, बट ड्यू टू हेल्थ, इसको आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना पाऊँगी। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी मैं आपको डेली का कंटेंट दूँ। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ी मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू, बाय बाय बाय।